नंद लाल की, नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी आपको, मैं हूँ अंकिता ठक्कर, स्वागत है आपका लाइम शुगर पे। तो जन्माष्टमी के अवसर पर सबने कुछ ना कुछ मीठा तो जरूर बनाया होगा, तो आज हमारे किचन में बनने वाला है लौकी का हलवा। तो चलिए मिलके बनाते हैं लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए एक लौकी लेंगे, लौकी को छिलकों के साथ ही ऐसे कट कर लेना है। कटी हुई लौकी को छिलकों के साथ ही किस लेना है। छिलकों के साथ किसने से आपको हाथ में भी नहीं लगेगा और आसानी से लौकी किस जाएगी। अब कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म होगा 4 इलायची के दाने डाल के तुरंत ही लौकी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1 ग्लास मलाई वाला दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। लौकी आपको तब तक पकानी है जब तक दूध लौकी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए और दूध के दाने ना दिखे। अब हम हलवे में 1.5 कटोरी जितनी शक्कर डालेंगे। दूध हमने जो डाला वो हलवे के साथ अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद दाने आपको दिख रहे हैं वो दूध का मावा बन चुका है और मावेदार लौकी का हलवा हमारा रेडी होने को है। जैसे जैसे हलवा पकते जाएगा वैसे वैसे उसका कलर गहरा होता जाएगा। आधा चम्मच इलायची और जायफल का पाउडर डालेंगे और तब तक हलवे को पकाएंगे जब तक उसमें से घी छूट के बाहर नहीं आता। लौकी का हलवा रेडी होने को है। अब हम इसमें कटे हुए बादाम और काजू डालेंगे। तो तैयार है हमारा लौकी का हलवा। लौकी के हलवे के साथ अगर केसर लच्छादार रबड़ी मिल जाए तो एक अच्छा फ्यूजन बन जाता है। तो गाइस, अगर आपको रबड़ी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।